Study with me, a learning experience. Tangent to the circle or arc without finding the center. हमारे पास तीन केसेस हैं. पहला केस जिसमें पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क. दूसरा केस पॉइंट P इज द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क. तीसरा केस पॉइंट P इज आउटसाइड द आर्क. इन तीनों को हम लोगों ने बारी बारी करना है, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट रिविजन कि जब सेंटर गिवन होता था तो तब कैसे बनाते थे हम लोग टेंजेंट. तब हम इस पॉइंट से पॉइंट P को मिला लेते थे और पॉइंट P के ऊपर हम लोग टेंजेंट यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते थे, जिसका प्रोसीजर आपको याद ही होगा. आर्क ड्रॉ करके उसके ऊपर मजीद दो आर्क कट करते थे और बाहर की तरफ दो और आर्क्स कट करते थे और उसको पॉइंट P से मिला लेते थे, तो ये टेंजेंट बन जाता था. अभी हम लोगों ने केस वन देखना है जिसमें पॉइंट P इज़ मिड पॉइंट ऑफ द आर्क. सबसे पहले हम कॉर्ड ए बी को मिला लेंगे और अब इस कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट करना है. उसका प्रोसीजर ये है, पॉइंट बी से ऊपर रख के एक आर्क लगाएंगे, फिर पॉइंट ए से रख के एक आर्क लगाएंगे. इन दोनों को पॉइंट बी से मिला लेंगे, ये पॉइंट आर का मिल जाएगा. अब वही 90 डिग्री का हम लोगों ने एक एंगल बनाना है इस वर्टिकल लाइन के ऊपर, जो कि यहाँ पर रख के आर्क ली और यहाँ से कट किया, फिर यहाँ से कट किया और इन दोनों के ऊपर आर्क रख के साइड पर एक बड़ी आर्क लगा दी और इसको ज्वाइन कर लिया पॉइंट पी से. ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है आप देख रहे हैं, और ये हम लोगों का टेंजेंट बन गया. अब हम आते हैं केस टू की तरफ जिसमें पॉइंट पी एंड पॉइंट ऑफ द आर्क. इसमें हमें क्या करना है, एक और पॉइंट ए ले लेना है और वहाँ से पॉइंट पी को मिला लेना है. अब पॉइंट ए के ऊपर हम लोगों ने एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जिसके लिए हम लोगों ने पहले ये आर्क ली, उसके ऊपर एक आर्क ये कट की, एक आर्क ये कट की, इन दोनों की मदद से ऊपर की तरफ दो और आर्क्स कट की. अब उनको पॉइंट ए से मिला लिया. जहाँ पे ये सर्कल को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट बी है. इस पॉइंट बी को हम पॉइंट पी से मिला लेंगे, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया. ये हमारे पास इसका एंगल है, एंगल ए बी पी. इसको हमने मेजर कर लेना है और इतना ही एंगल हम लोगों ने नीचे पॉइंट पी पे नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेना है. ये मैंने पॉइंट डी लगा लिया है, इसको लाइन ड्रॉ कर ली. ये हमारा आप देखें तो एंगल बन गया है ऊपर जितना, और ये टेंजेंट लाइन भी असल में ड्रॉ हो चुकी है. अब सिर्फ चेक ये करना है कि ये वाली जो लाइन है, ये लाइन बी पी के साथ 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है, क्योंकि टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पर होता है. तो उसके लिए एक तो हमें ये याद रखना चाहिए कि एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, जो इंटीरियर एंगल्स हैं, वो कितना सम होता है उनका, 180 डिग्री. यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो बाकी के जो दो एंगल हैं वो मिला के 90 डिग्री होंगे. अब हमारे पास क्या सिचुएशन है कि ये एंगल हमने देखना है 90 डिग्री. इसमें एक तो वही रेड वाला एंगल है जो हम लोगों ने देखा, और अब दूसरा एंगल वो जो हमने खुद ड्रॉ किया था ऊपर वाले एंगल के मुताबिक. तो इससे हमारा प्रूव हो जाता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है. तीसरा केस हमारा ये था कि पॉइंट पी इज आउटसाइड द आर्क ए बी. इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले तो एक सर्कल पूरा ड्रॉ कर लेते हैं उसको, ताकि आपको यकीन हो कि सर्कल और आर्क एक ही चीज़ होती है. पॉइंट पी से हम पॉइंट ए को मिला लेंगे. ये एक सीकेंट है जो कि आर्क को पॉइंट ई पे कट कर रहा है. अब हम लोग पॉइंट पी और ए को मरकज मानते हुए ऊपर और नीचे एक एक लाइन लगाएंगे, आर्क लगाएंगे, ताकि हम सेंटर पॉइंट एम मालूम कर सकें. जब पॉइंट एम मालूम हो जाता है तो बाकी की चीज़ जो हमने ड्रॉ की हुई है ऊपर नीचे वो रेस कर देते हैं ताकि क्लटर रिमूव हो. अब हम लोगों ने ये रेडियस लेते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है. अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने पॉइंट ई के ऊपर हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. उसका प्रोसीजर आपको पता ही है, इन दोनों से मजीद ऊपर की तरफ दो आर्क्स ड्रॉ करेंगे और इनको पॉइंट ई से मिला लेंगे, और ये जहाँ पे सेमी सर्कल को कट कर रहा है वो है पॉइंट डी. अब हम पॉइंट डी जितना कंपास ओपन करेंगे और एक और आर्क लगा लेंगे, जो कि हमारी मेन आर्क को पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट कर रही है हमारी टेंजेंट पॉइंट में. यहाँ से हम पॉइंट बी तक लाइन लगा लेंगे और ये हमारा टेंजेंट है.